हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोचिप की खोज किसने की थी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कंप्यूटर की चिप क्या होती है और हमारे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इस छोटी सी चिप की कितनी बड़ी भूमिका है। उम्मीद है जागरूक पर कंप्यूटर चिप का आविष्कार की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। कंप्यूटर चिप का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि चिप कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बिना बड़ा सा कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता। ऐसे में क्यों ना आज इसी कंप्यूटर चिप के बारे में जानें। तो चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले बेहद ज़रूरी पार्ट चिप के बारे में। सबसे पहली सेलिकॉन चिप का आविष्कार करने का श्रेय अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेके किल्बी और रॉबर्ट नॉइसे को जाता है, जिन्होंने 1991 में सिलिकॉन चिप का इन्वेंशन करके कंप्यूटर के विकास की गति को तेज करने में मदद की। सूक्ष्म चिप एक ही परी की एक चिप होती है जो कि से बनी होती है। यह और के लिए बनाई जाती है। वर्तमान में सूक्ष्म चिप पीडीए और माइक्रोवेव ओवन सहित कई उपकरणों का आवश्यक अंग बन चुकी है। सूक्ष्म चिप अपने 40 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर चुकी है। मैं इसका आविष्कार रॉबर्ट नॉइस और जय किल्बे ने किया था। ये दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते थे और दोनों ही कंपनियां इस शोध में को अपने दृष्टिकोण से कर रही थी। इस शोध के उपरांत बाद दोनों ही कंपनियों ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया। बाद में दोनों कंपनियों को सम्मिलित रूप से इसका लाइसेंस दिया गया और इसका सम्मिलित पेटेंट दिया गया। पहली बार सूक्ष्म चिप में लोगों को उपलब्ध हुई जी किल्बे ने ही। बाद में पोर्टल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तब से लेकर अब तक सूक्ष्म चिप में कई बदलाव आ चुके हैं। पहली सूक्ष्म चिप में जहाँ एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और 3 रजिस्टर थे, वहीं आज की सूक्ष्म चिप में एक छोटी सी जगह में लगभग 240 मिलियन ट्रांजिस्टर समाये होते हैं। और सूक्ष्म चिप के कई और लाभ भी हैं। वर्तमान में सूक्ष्म चिप का प्रयोग जैविक प्रणालियों, बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है। इसका प्रयोग जीवन बचाने में भी होने लगा है। हृदय रोगियों के लिए पेसमेकर में भी सूक्ष्म चिप रहती है। पेसमेकर हृदय गति नियंत्रित रखता है। सूक्ष्म चिप का प्रयोग घड़ियों, मोबाइल फ़ोन से लेकर स्पेस टल तक में तो हो सूक्ष्म चिप की बदौलत हम हर दिन नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।